ताली बजाते हुए झूमते हुए मस्ती में निताय बोल परमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल।
प्रभु
गीत चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरतुषे नमः। पंस्त्वत्कं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरे पीछे पीछे सभी भक्त आंखें बंद करके बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा कृष्णा। उपस्थित भगवत कथा भक्त मणियड्डा ग्राम के वरिष्ठ उपस्थित माताएं सभी भक्तों का श्रीमद्भागवत सप्ताह के इस प्रथम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज से इस ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा शुरू होने से सर्वप्रथम मैं हमारे गुरु महाराज परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के चरणों में इस व्यासपीठ से बैठे बैठे उनको अभिनंदन करता हूँ। गुरु महाराज हमें शक्ति दें ज्ञान दें कि आप सभी भक्तों को उनके ही मुख से जो सुना है वो आपको सुना सकें। हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण की कथा का कुछ
गान भी कर पाए, परंतु केवल और केवल हमारे गुरु महाराज का कृपा, हमारे शिक्षा गुरुओं का कृपा कि आज यह दास कुछ भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का कुछ वर्णन कर पा रहा है। तत्पश्चात हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य श्री श्री मदेशी भक्ति वेदान स्वामी शिला प्रभुपाद, जगत गुरु शिला प्रभुपाद, जिन्होंने इस विश्व को, विश्व को ध्यान रखते, मैं केवल देश नहीं बोल रहा, विश्व को भव बंधन से मुक्त करने के लिए, पापों से मुक्त करने के लिए इतनी सुंदर संस्था दी, जहां पर जिसके द्वारा आज करोड़ों भक्तों को ना केवल भारत में बल्कि इस विश्व के छुपे हुए हरेक देश में, जहां पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कर। और भक्तों, ये केवल हम अपनी देश की बात नहीं कर रहे, अमेरिका इत्यादि देश जो पापों से भरा पड़ा है, ऐसे देशों को भी जिसने हरि कृष्ण महामंत्र पे झुमा दिया, ऐसे शिला प्रपात को हम यहां से प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात हमारे आराध्य भगवान श्री श्री राधा माधव, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री कृष्ण बलराम के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति बहुत बड़े पहाड़ को पार कर सकता है, जिनकी कृपा से एक अंधा व्यक्ति बहुत सुंदर चित्र बना सकता है, पेंटिंग कर सकता है, जिनकी कृपा से एक गूंगा व्यक्ति बहुत सुंदर कीर्तन कर सकता है, आज ऐसे ही भगवान की कृपा से हम यहां पर उनकी ही कुछ कथा आपको कहने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात कली पावन अवतार श्री श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, परम करुणा वर्णालय कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु ठीक आज से 550 साल पहले इस धरा धाम पर आकर के, जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया, वेदों में शास्त्रों में ऐसी भविष्यवाणी थी कि कलयुग हरे रणाम केवलम कलेव नास्तेव नास्तेव गतिर रण्यता, हरि का नाम ही कलयुग में उद्धार का कारण। लेकिन भाई, इसमें भी एकदम से फिल्टर करके जिन्होंने बटर निकाल के सामने रख दिया, ऐसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को ऐसे नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात श्री नरसिंह देव भगवान जो इस जगत के, जिनके चरणों से निकली हुई एक कृपा कटाक्ष से गणेश जी इस पूरे जगत के कष्टों को हरते हैं, विघ्नों को हरते हैं, ऐसे श्री नरसिंह देव भगवान को हम यहाँ से प्रणाम करते हैं। भक्तो, आज से आपके गांव में भगवान की कथा होने जा रही है। ऐसे गांव बहुत कम आबादी वाला है, नहीं गांव बड़ा है, काम आबादी नहीं है, बड़ा है लेकिन घर में एक आध लोग रहते होंगे, ठीक है, तो इतने कम आबादी वाले, वैसे भी आबादी बहुत बढ़ रही है, आपका गांव अच्छा है, कम है, तो भगवान की कृपा से आज इस गांव में कुछ भगवत कथा होने जा रही है।
जब माता जी से हमारी बात हुई कि भाई क्या टॉपिक लिया जाए, क्योंकि भागवत में तो अनंत टॉपिक है, अनंत टॉपिक छोड़िए, एक श्लोक के ऊपर 7-7 दिन की भागवत कथा हो सकती है, और 7 दिन एक श्लोक तो छोड़िए, एक श्लोक के एक शब्द के ऊपर, श्लोक के एक शब्द के ऊपर भागवत सप्ताह किया जा सकता है। ऐसे भागवत ग्रंथ से मैंने सोचा भाई क्या टॉपिक लिया जाए। उस समय हम सभी के मन में एक विषय आया, माता जी ने कहा प्रभु जी आपकी जो इच्छा हो जाए वही करो। उस समय भक्तों हमारे मन में 24 अवतार, कितने अवतार? 24 अवतार, भगवान के 24 अवतार इस धराधाम पे हुए। वैसे तो वेदव्यास जी लिखते हैं अवतार असंख्य है, अवतार कितने हैं? असंख्य हैं, भगवान के अवतारों की गणना नहीं की जा सकती है, लेकिन गिनाने के लिए श्रीमद् भागवतम में 24 अवतार व्यास देव जी गिनाते हैं, है ना। आप लोग 10 अवतार जानते होंगे, है ना, 10 अवतार, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन वे भागवत में कितने अवतार हैं? 24 अवतार। एक बात आपको मैं पहले ही बता दूं, देखिए ये मेरे कथा का नियम है कि क्या होता है, ऋषि प्रोक्षण होना ज्यादा जरूरी है। आप भी बोलो, मैं भी बोलो, ठीक है, आप लोग एकदम फ्री होके बैठिए, ठीक है, सब अपने ही लोग हैं, ओके, चिंता छोड़ दीजिए, एकदम आराम से कूल होकर के रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, ठीक है, खाली हल्ला नहीं करना है, हल्ला करने से मैं बहुत डांटूंगा, ठीक है, हल्ला नहीं करेंगे और सोएंगे भी नहीं, तो आवाज नहीं करिएगा। तो उस भागवत से 24 अवतार की कथा हम लोग सुनेंगे, कितने अवतार की कथा सुनेंगे? 24 अवतार। गांव में तो आबादी कम है, यहाँ पे बैठे हुए में भी आबादी कम है, कितने लोग कितने अवतार की कथा सुनेंगे? 24 अवतार, ठीक है। तो ऐसे दिव्य 24 अवतारों की कथा हम सुनेंगे। तो अब इस जगत में देखें तो हर व्यक्ति अपने दुखों से ग्रसित है, हर एक व्यक्ति दुख से ग्रसित है। कोई व्यक्ति आज यहाँ पर इतने सारे बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति हाथ खड़ा करें जिनके जीवन में कोई दुख ना, खड़ा कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए, कोई भी व्यक्ति खड़ा कर दीजिए, प्रभु जी मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, कर सकते हैं खड़ा? नहीं कर सकते। हमारे जीवन में दुख है ही, दुख है ही, इसलिए हमारे आचार्यों ने लिखा क्या, संसार दावा नलिनी ढलोका, यह संसार क्या है? दावा नल के समान। दावा नल जानते हैं आप? दावा नल क्या होता है बताइए, दावा नल क्या होता है? दावा नल नहीं पता आप लोगों को? जंगल देखा है? हाँ, आपके, हम लोग जब आ रहे थे तो बहुत बड़ा जंगल मिला था ना, बहुत बड़ा। तो जंगल में क्या होता है ना, जंगल में कभी कभी आग लगती है, जानते हैं आप लोग, आग लगती देखा है? तो जब जंगल में आग लगती है ना तो चारों ओर से वो आग लगती है, ऐसा नहीं थोड़ा सा लगा और बंद, और वो आग को कोई लगाने वाला नहीं आता है, कोई लगाने के लिए नहीं आता है। और जब जंगल में आग लग जाता है ना, चारों ओर से आग घिर जाता है, और जंगल में रह रहे प्राणियों का हालत खराब हो जाता है, हाल खराब हो जाता है, बेचैन हो जाता है, चारों ओर से एकदम आग लगी हुई है, बेचारे चीते, लोमड़ी, बाघ, भालू, सियार, तिलमिला उठते, पक्षी तो उड़ जाते हैं, लेकिन ये चार पांव वाले जानवर, ये सांप, सब क्या होते हैं? तिलमिला उठते हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो हमारा हाल यही है, हमारा हाल यही है, हम तिलमिलाए हुए हैं, हमारी स्थिति एकदम से खराब है,
हम रोज दुखों से, और जैसे ये आग जंगल में आग लगाने के लिए कोई नहीं आता ना, वैसे ही हमारे जीवन में भी आग लगाने के लिए कोई नहीं आता। रोज फलाने चाचा, फलाने मामा, फलाने काका, कोई आग लगाने के लिए नहीं आ रहा है। हमारे जीवन में जैसे पेड़ के पेड़ से घर्षण से आग लग जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में इस भौतिक जगत में आते ही क्या हो जाता है, आग लग जाता है। और प्रश्न हो सकता है, प्रभु जी आग तो लग गया, लेकिन उस आग को बुझा कैसे सकते हैं, बताइए। इतना तो आप लोग बता ही सकते हैं, बताइए कैसे बुझेगा बाबा, बताओ। हाँ ठीक है, आपके पानी डालने से जंगल का आग बुझेगा नहीं? बुझेगा, बुझेगा। बालू डालने से बुझेगा? सरकार व्यवस्था करती है, हेलीकॉप्टर से पानी डालती है, उससे बुझेगा? कैसे बुझेगा? भगवान की कृपा से। उस समय अगर उस जंगल के ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, जंगल के ऊपर बादल जम जाए और भगवान की कृपा से बारिश हो जाए, तो जंगल का आग बुझ जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन में आग लगी हुई है, दुख, दारिद्र, ना जाने क्या क्या, कुछ को पैसे कमाने की होड़ है, कुछ को ये होड़ है, बहुत बहुत दुख है हमारे जीवन में। अब इस दुख से मुक्त होने का क्या उपाय? ऐसे दुख में अगर भगवान की कृपा हो जाए, भक्तों का संग हो जाए और भगवान की कथा हो जाए, तो हमारे जीवन रूपी जीवन में जो आग लगी है ना, वह आग क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। तो आज बहुत सुंदर भगवान की कृपा से, इस कथा आयोजकों की कृपा से इस गांव के ऊपर कृपा हो चुकी है। बहुत सुंदर भक्तों का समागम है, बहुत सुंदर कथा का आयोजन भी हो गया है। आइए हम लोग भगवान की कथा की ओर आगे बढ़ें। वैसे भक्तों, पहले ही स्वीकार करता हूं कि देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा साधु, वो कोई बहुत बड़ा महात्मा, कोई ऋषि मुनि, या मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं, बहुत बड़ा कोई पंडित नहीं, मैं एक साधक हूं। अपने आप को साधने का प्रयास कर रहा हूं, भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर। और जो भी अपने आचार्यों से, अपने गुरुओं से, अपने गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, शिला प्रपात से जो कुछ सुना है, मैं बस वही कहूंगा, और जो शास्त्र में लिखा हुआ है वही कहूंगा। तीसरी बात मुझे नहीं आती। पहली बात, जो आचार्यों से सुना वो, जो भागवत में लिखा है वो, और तीसरी बात मुझे आती नहीं है। दो ही बात आपको रखूंगा। लेकिन हो सकता है कि हमें कुछ बातें बुरी लग जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग वेदों के ऊपर, हमारे शास्त्रों के ऊपर क्या उठाते हैं? उंगली उठाते हैं। ए, गलत लिखा है, कैसे लिख दिया, तुमसे पूछ के आएंगे लिखने के लिए, तुमसे पूछ के आएंगे लिखने के लिए, तुम होते कौन हो? जब पैदा हुए तो खुद से खाना नहीं खा पाए, और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? भगवान के ऊपर हस्तक्षेप करते हैं। खाना तो छोड़ो, क्या क्या नहीं कर पाए बताऊं? मल मूत्र त्याग करके उसी में लपटाए रहते थे, और भगवान के ऊपर उंगली उठाते, ऐसा कैसे बोल दिया भगवान। कुछ लोग तो आजकल गाना भी बजाते हैं, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तेरे से पूछ के बनाए भगवान, तुमसे पूछ के आए, और दीप नारायण जी दुनिया बना दे तुम्हारे लिए, मनी अड्डा वालों के लिए दुनिया बना दे, ऐसा पूछ के बनाएंगे।
तो भगवान के ऊपर हस्तक्षेप करना बहुत बड़ा अपराध है। भगवान ने जो लिखा है वो 100% सही लिखा है और हमारे भले के लिए लिखा है, हमारे भले के लिए लिखा है। लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम है मालूम है क्या, कि हमें जो अच्छा लगता है केवल हम वही पढ़ना चाहते हैं, है ना, दूसरा चीज पढ़ना नहीं चाहते। देखिए भक्तों, हो सकता है कि आपको कुछ बातें अच्छी लगे कुछ बातें खराब लगे, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा भागवत से ही, चेंज नहीं करूंगा, ध्यान रखिए। क्योंकि हो सकता है अगर मैं खुद की बात बोलूं ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, अभी दो चार यहां से चुटकुला बोलूंगा तो हा हा ही करके सब लोग हंसेंगे, लेकिन उससे उद्धार आपका होगा, बस थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाएगा। और फिर आप घर जाएंगे फिर वही तेल नमक हल्दी इसमें ही लग के रह जाएंगे। लेकिन भागवत से, अगर गीता से मैंने कहा ना और आपने सुना और अपने जीवन में पालन किया ना, तो आपका उद्धार निश्चित हो जाएगा। लिख के ले लो। अब बोलेंगे प्रभु जी मन की बात भी तो कितनी अच्छी होती है, अपनी मन की बात कहो। बिल्कुल अच्छी हो सकती है, मैं नहीं कहता हूं नहीं हो सकती, लेकिन मन कभी स्थिर होता है, हैं? आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ कथा पंडाल में बैठे मन स्थिर है, किसका मन स्थिर है? कुछ लोगों का मन कर रहा होगा अरे घर पे क्या बना होगा आज, कुछ लोगों का मन कर रहा होगा प्रसाद रखे कि नहीं रखे हुए हैं, है? यार बैंक में क्या हो गया, शेयर मार्केट का क्या हाल है, सोच रहे होंगे बैठ बैठ के। इसलिए मन का कोई भरोसा नहीं। और इस संसार में इंसान कुछ नियम बना भी लेता है तो उसको तुरंत बदलना पड़ता है। आप देखिए, आवाज नहीं करिए, बात मत करिए, आप उधर जाके बात करिए। तो अगर अब देखें, जैसे एक लॉ आया न्यूटन लॉ, आप लोग जानते हैं न्यूटन लॉ, सुना है? उसके बाद न्यूटन लॉ कौन सा आया, दो आया कि नहीं, फिर न्यूटन लॉ थ्री, मतलब खुद कंफर्म नहीं है अभी, पता नहीं 4-5 भी आएगा बाद में पता नहीं। लेकिन भगवान ने जो लिख दिया, जो सिद्धांत लिख दिया, उसमें कभी कोई बदलाव हुआ आज तक? आपने कभी सुना श्रीमद् भगवद गीता 2.0 3.0 4.0? नहीं, क्योंकि भगवान ने जो लिख दिया वही सत्य है। बुद्धि हमारी खराब है, हमें समझ में नहीं आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रही है, हमें समझना होगा। आइए हम लोग कथा की ओर बढ़े। श्रवेद व्यास मुनि भागवत के श्रोताओं को भागवत सुनने से पहले भागवतम की महिमा का महात्म्य सुनने का निर्देशन करते हैं, क्योंकि हम यहाँ लगातार 7 दिनों तक भागवत सुनेंगे, 7 दिन तक लगातार भागवत सुनेंगे। परंतु यदि भागवत जी की महिमा हमें नहीं पता हुई जो लोग कथा में लगातार बैठेंगे वो आगे बैठेंगे और जो आएंगे जाएंगे वो पीछे बैठेंगे, ये नियम होना चाहिए, ठीक है? ध्यान रखिए। तो अगर श्रद्धा नहीं होगी तो फिर कथा श्रवण का फल नहीं मिलेगा। 7 दिन तक आपने कथा सुना लेकिन कथा सुनने का फल नहीं, प्रभु जी कभी आधे में जल गए कभी अधूरे में चले गए, तो फिर फायदा आधा अधूरा ही मिलेगा। लेकिन श्रद्धा होगी पूर्ण फल मिलेगा। इस भागवत के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं, लिखा गया है हमारे शास्त्रों में न तथा श्रद्धा लोके। इस संसार में जब तक हम किसी भी विषय वस्तु के प्रति, किसी विषय वस्तु की हम महिमा नहीं जान लेते, महात्म्य नहीं जान लेते, तब तक उस विषय वस्तु के प्रति हमारी रुचि जागृत नहीं होती है, रुचि नहीं होती है।
श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तब तक हमें उस कार्य को करने का फल नहीं। इसलिए प्रारंभ में ही वेदव्यास मुनि भागवत कथा की महिमा सुनने का निर्देशन करते हैं। भगवान गीता में अर्जुन के अर्जुन को कहते हैं कि बिना श्रद्धा के, बिना श्रद्धा के यज्ञ ज्ञान दान पुण्य ये सब क्या है, पूर्ण फल नहीं मिलता। और अगर हमें पूर्ण फल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा श्रद्धा के साथ सुनो। भागवत महात्म्य का वर्णन तो अब देखें, अगर आपने कभी भागवत खोला होगा, पढ़ा होगा, तो भागवत की महिमा का वर्णन भागवत में नहीं है, कभी नहीं है। भागवत का महिमा का वर्णन पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अन्य अन्य पुराणों में है, कभी 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 भी भागवत में। अब देखिए, भागवत अभी खुला नहीं है, लेकिन भागवत कितना स्पेशल है, कितना शुद्ध है, कितना महान है कि खुलने से पहले ही हमें एक बहुत बड़ा सिद्धांत दे दिया। क्या सिद्धांत दे दिया? हम लोग भागवत में प्रवेश किए नहीं है, लेकिन खुलने से पहले ही, प्रवेश करने से पहले एक सिद्धांत दे दिया कि संसार में अपनी बड़ाई खुद से नहीं करना। यदि भागवत स्वयं से अपनी, अपने मुख से अपना बड़ाई करे तब तो आत्मश्लाघा का दोष लग जाएगा। आत्मश्लाघा एक संस्कृत पद है, वर्ड है, जिसका मतलब है अपनी मियां मिट्ठू, है ना, अपने ही मुख से अपनी बड़ाई। अरे मैं तो, तुम जानते हो बहुत बड़ा आदमी हूं मैं, तो ये सब क्या हो गया, आत्मश्लाघा, अपनी प्रशंसा करना, ये बहुत बड़ा दोष माना गया है। भागवत अपने से अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी महिमा पद्म पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि में लिखा गया है। इसलिए हमारे भक्त, हमारे भारत के संतों ने भी कहा ना, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका हमारा मूल लाख रुपए है, ये कभी है। आचार्यों ने कहा, जो बड़ा आदमी होता है ना, वो कभी भी अपने गुणगान नहीं करता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो अपनी मुख से अपनी बड़ाई नहीं करता। महाभारत में अपने मुख से अपनी बड़ाई करने को क्या कहा गया, मृत्यु, मरा हुआ मान लिया गया। अगर हम अपना बड़ाई अपने से करते हैं ना, तो हम मरे हुए हैं, ऐसा महाभारत में कहा गया। बहुत सुंदर कथा है कि एक बार कर्ण प्रतिज्ञा लिया कि आज क्या करूंगा, किसी को पांचों में से, कुंती को बताया था ना कि पांच बेटे तुम्हारे जीवित रहेंगे, कोई भी मरेगा पांच तुम्हारे जीवित रहेंगे। तो कर्ण एकदम आया पूरा बन ठन के कि भैया अभी उड़ा देता हूँ, आया और लड़ाई करने लगा। तो युधिष्ठिर महाराज उस समय आ गए। युधिष्ठिर महाराज तो खैर जैसे कर्ण के सामने आए, तो कर्ण के सामने कहाँ से टिकते हो, तुरंत दड़ा दड़ दड़ा दड़ बाण मारे तो तुरंत घायल हो गए। सारथी अच्छा था, तुरंत बचाया और लेकर के आ गए शिविर में। शिविर में आए, बहुत घायल हो गए। सारथी ने उनको मरहम पट्टी किया। अर्जुन को पता चला युद्ध कर रहे थे, बोले अरे युधिष्ठिर घायल हो गए, चले गए हैं। तो तुरंत रिटर्न आया कृष्ण को साथ में लेकर के आया, तो देखते हैं कि बहुत घायल हो गया। बोल लगे भैया आप कैसे घायल हो गए, क्या क्या बहुत कुछ बोला, लेकिन इतने ये घायल हो गए थे कि इनकी जो है ना, होता है ना कभी कभी अगर आप हदस जाते हैं तो हमारा बुद्धि क्या होता है, ठीक से कार्य नहीं करता है। तो युधिष्ठिर क्या बोले, वाह भाई तूने कर्ण को मार दिया, बहुत अच्छा कार्य किया, वेरी गुड वेरी गुड। तो अर्जुन बोले भैया मारा नहीं हूँ, लेकिन अभी जाके मार देता हूँ। बहुत क्रोध आ गया युधिष्ठिर को, बोले अभी तक मारा नहीं, मूर्ख कहीं के, सच में तू नपुंसक है,
अभी कर्ण को नहीं मार पाया अभी तक तूने, तुझमें गांडीव धारण करने की हिम्मत नहीं है, गांडीव छोड़ दो। अब अर्जुन का क्या सीन था कि वो पहले ही इस प्रकार से प्रण लेकर के रखा था कि जो व्यक्ति मुझे कह देगा कि मैं गांडीव धारण करने का योग्य नहीं हूं, उसका गर्दन जो है सो काट दूंगा, उसको मार दूंगा। अब तो अभी प्रेम आ रहा था, लेकिन अब अस्त्र निकालने लगे। अब भगवान साथी थे, कहते रहे अर्जुन यहाँ पे किससे लड़ना है, क्यों तलवार निकल रहे हो? बोले केशव आप जानते नहीं, मैंने प्रण लिया है कि जो भी कहेगा कि गांडीव धारण करने के योग्य नहीं उसका गर्दन काट दूंगा। बोले युधिष्ठिर का भी? बोले किसी का भी काट दूंगा। अब क्या करे क्या करे? अर्जुन रुको रुको रुको। बोले प्रभु ये क्या? बोले देखो तुम्हारा बड़ा भाई है, इस प्रकार से नहीं मारना चाहिए, उसके लिए तुम राज्य कर रहे हो। तो अब जैसे ही वह इस प्रकार से बोले, तब भगवान बोले कि अर्जुन देखो एक काम करो, तुम जो है अगर मारना ही चाहते हो ना, तो जो बड़े होते हैं उसको तलवार से मारने की जरूरत नहीं होती है, अगर कुछ उसको अपशब्द भी बोल दो तो वो अभी मरा हुआ मान लिया जाता है। तो एक काम करो, तुम युधिष्ठिर को कुछ जो मन से बात बोल दो, अपशब्द बोलो, जिससे ये मरा हुआ मान लिया जाएगा। तो बोले ये भी बोलने लगे हैं, मुझे नपुंसक कहता है, आप देखो कर्ण से नहीं सका, भाग करके युद्ध से आ गए, इसको क्षत्रिय कहते हैं, बेकार है, राज्य करने जाओगे कहाँ से राज्य चलाओगे, बहुत इनको सुनाया। तब तो युधिष्ठिर बोले अब मैं जा रहा हूँ जंगल, मेरा छोटा ही मेरे को ऐसे बोल दिया। फिर कृष्ण समझाए, नहीं नहीं युधिष्ठिर महाराज रुकिए 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 बैठिए, ये आपको ऐसे ही बोल रहा था, ये आपको बहुत प्रेम करता है, बहुत मानता है, बहुत कुछ कुछ समझाया। युधिष्ठिर महाराज बैठ गए, फिर अर्जुन तलवार निकालने लगे। बोले अर्जुन अभी किसको मारना है? बोले अब अपने को मारूंगा। बोले क्यों? बोले आज तक मैंने अपने बड़े भाई को ऐसा बोला नहीं था, ऐसा बोल दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अब मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। बोले अर्जुन रुको रुको रुको, एक काम करो, अपनी बड़ाई अपने से करो, अगर तुम अपनी बड़ाई अपने से करोगे ना, तो शास्त्रों का वचन है, जो व्यक्ति अपने से अपनी बड़ाई करता है उसको मरा हुआ मान लिया जाता है। तो अर्जुन फिर बड़ाई करने लगा, मैं अर्जुन इसी शरीर से स्वर्ग में गया, इंद्र के बगल में बैठा, अकेले इन कौरवों को हरा दिया, बहुत कुछ कुछ वर्णन किया। तब जाकर के फिर मामला क्या किया, भगवान शांत किए। तो जो व्यक्ति अपने से बड़ाई करता है ना अपना, उसको क्या मान लेना चाहिए? मरा हुआ मान लेते ऐसे व्यक्ति को। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर भागवत की महिमा, कि अगर हम खुद से अपनी बड़ाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है, मरा हुआ माना जाता है। अपनी बड़ाई कभी भी खुद से नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए, इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तब फिर मन में प्रश्न होगा, प्रभु जी अगर अपनी बड़ाई खुद से नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम कितने महान हैं, कितना बड़ा व्यक्ति है, या कैसे पता चलेगा? तो क्या बताइए, सूर्य को कभी बताने की जरूरत पड़ती है कि सूर्य में कितना प्रकाश है, कितना तेज है? बताइए, कभी नहीं बतानी पड़ती, कभी बताने की आवश्यकता नहीं होती, कभी भी नहीं, कभी भी सूर्य को यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वही मुझ में इतनी शक्ति है। जो प्रकाशवान व्यक्ति है ना भक्तों, वो बिना प्रकाशित हुए रह ही नहीं सकता है, वो प्रकाशित होगा ही होगा, वो बिना प्रकाशित हुए रह नहीं सकता। महान व्यक्ति की महानता अपने आप प्रस्तुत हो जाती है, अपने आप प्रस्तुत हो जाती है, उसे आवश्यकता नहीं होती कहने की भाई मैं इतना महान हूं। वेद व्यास जी का ऐसा कहना है कि भागवत सुनने से पहले पद्म पुराण और स्कंद पुराण की भागवत महिमा को सुनना चाहिए। पद्म पुराण में भागवत महात्म के अनेकों महिमा है,
अनेकों महिमाएं हैं, अनेकों अध्याय है। उसमें से प्रथम अध्याय ऐसा है कि जब परीक्षित को श्राप लगा, जब परीक्षित महाराज को श्राप लगा और सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा सुनाने पर, आप लोग जानते ही हैं किस प्रकार से परीक्षित महाराज को श्रृंगी ऋषि ने, शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। कथा बहुत विस्तार से है कि जब कलयुग इस धराधाम पे आ रही थी, जब कलयुग इस धराधाम पे आ रहा था, तब परीक्षित महाराज को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने यह श्राप दिया। श्राप देने के बाद परीक्षित महाराज सुखदेव जी गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी से भागवत कथा सुनने के लिए बैठे थे, और जैसे ही कथा सुनने के लिए बैठे कि उसी समय वेद व्यास जी कहते हैं, परीक्षिते कथा तुम सभायां संस्थितो मुनि सुदा कुंभ ग्रहित्वेव देवास्तत्र समागमन। परीक्षिते कथा तुम, जब महाराज परीक्षित को श्राप लगा और भागीरथी गंगा के तट पर वह भागवत सुनने के लिए बैठे, सुखदेव गोस्वामी से अपने मुख से भागवत कथा सुनना प्रारंभ करने जा ही रहे थे कि उसी समय एक आश्चर्यमय घटना घटी। क्या घटना घटी? देवताओं के राजा इंद्र और सभी देवी देवता सुखदेव गोस्वामी के पास आए। क्या? सुधा कुंभ मतलब क्या होता है? अमृत का घड़ा लेकर के, और कहा कि हे सुखदेव जी गोस्वामी महाराज, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए। हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए और हम चाहते हैं कि इस अमृत का पान आप करिए, और हम चाहते हैं कि इस अमृत का पान आप परीक्षित को करा दीजिए। किसको कराइए? परीक्षित को कराइए, ताकि उसे जो सांप काटे उसका असर ना हो। और इसे सुधा कुंभ, इस अमृत की घड़ा को लेकर के, इसके बदले आप हमें श्रीमद् भागवत कथा अमृत, इस स्वर्ग का अमृत ले लीजिए और भागवत कथा अमृत हमें सुना दीजिए। इतना सुनते ही भक्तों, सुखदेव जी गोस्वामी महाराज क्रोधित हो गए, पूर्ण क्रोधित हो गए। कहते कि आप लोगों की बुद्धि अभी भी नहीं सुधरी, इतनी गलतियां करते रहते हो आए दिन और अभी तक आपकी बुद्धि सुधरी नहीं? यहां भागवत करने आए, सुनने आए, सौदा करने आए? कहने लगे कि आप भागवत सुनने आए हो या सौदा करने आए हो? आप ये तुच्छ स्वर्ग के अमृत की तुलना भागवत कथा अमृत से कर रहे हैं? आप हमें ये थोड़ा सा अमृत देकर के भागवत कथा खरीदना चाहते हैं? हे देवताओं, आपसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आप इसी क्षण इस कथा पंडाल को, कथा स्थल को छोड़ करके चले जाओ। कवासुद्वात तव कथा लोके को काचम बड़ी महान ब्रह्म रातो विचारी। अरे कहां तुम्हारा ये तुच्छ स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े के समान, और कहां भागवत कथा अमृत? कांच के टूटे हुए टुकड़े की तुलना तुम भागवत कथा अमृत से कर रहे हो, तो उसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। देवराज, तुम यहां से चले जाओ, आज तुम भागवत कथा अमृत को पहचान नहीं पाए। भागवत की तुलना तुमने स्वर्ग के अमृत से कर दी। देखिए, ये है हमारे भारतवर्ष। आज
स्वर्ग का अमृत मिल रहा है लेकिन फिर भी लेने के लिए तैयार नहीं। और आज हमें कोई 1,000 रुपए के लिए भी फोन कर दे तो हम इस कथा पंडाल को छोड़ करके निकल जाएंगे। जाएंगे कि नहीं बताओ, जाएंगे कि नहीं? कौन नहीं जाएगा? हाँ, इसे छोड़ करके चले जाएंगे। और हम कहते हैं कि ये शास्त्रों में झूठ लिखा हुआ है, नहीं होता है। तुम्हारी श्रद्धा ऐसी? आप कर सकते हैं इस प्रकार से? अगर हमारी श्रद्धा है भक्तों, आज भी भगवान आते हैं, ध्यान रखिए, आज भी भगवान लीला करते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा ही वैसी नहीं है। इसलिए तो कहते हैं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की कैसे बुलाते नहीं, अच्युतम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे तुम खिलाते नहीं, यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, खैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, खैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। पूरा गाऊंगा तो आधा घंटा लगता है, कथा बहुत लेट शुरू। तो अगर हमारी श्रद्धा हो ना, आज भी भगवान, आप ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान प्रकट नहीं है, आज भी मैं अभी की बात कर रहा हूं, करेंटली भगवान इस कथा पंडाल में है। कोई शक है आप लोगों को? कोई शक है? आज और अभी भगवान इस कथा पंडाल में है। आपके मन में प्रश्न होगा कि प्रभु जी फिर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हम एक बीमारी से ग्रसित हैं। कौन सी बीमारी से? हैं? जोर से बोलिए। हाँ, शंका की बीमारी। और भगवान एकदम, आप 100% आंख बंद करके विश्वास करिए कि इस जगह भगवान विराजमान है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भगवान के वचन है, मैं बोल के सुनाता हूँ आपको। यत्र तत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवते गच्छामि तत्र तत्र हाथ गौर्यार्थ सुत वत्सलम। इस संसार में जहाँ कहीं भी भागवत कथा होती है मैं वैसे ही जाता हूँ जैसे बछड़े के पीछे गाय। अगर गाय को आपको कहीं लेकर के जाना है तो गाय को मत खींचो, क्या करो, उसके छोटे बच्चे को गोदी लो और चल दो, तो गाय क्या करेगी? चलते चलते आ जाएगी। वैसे अगर भगवान को प्राप्त करना है ना, तो ज्यादा इधर उधर मत करो,
भागवत कथा सुन लो, भागवतम पढ़ लो, भगवान वहां उपस्थित रहते ही हैं। आपके मन में प्रश्न हुआ, फिर प्रभु जी में दिखाई क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें मोतियाबिंद हो गई है। ठीक है, जिस व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता है ना, उसको आप सूर्य के प्रकाश में भी निकाल दीजिए तो बोलेगा अंधेरा है, कहां लाइट है? लाइट नहीं, अरे अंधेरा है भाई, उजाला है और सूर्य है, तेरे को मोतियाबिंद है, तुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिसकी आंखें खुली हुई है वह भगवान को आज भी देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। हमें याद है कि अभी कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ पटना का टेंपल ओपनिंग था। आप लोग जानते हैं बहुत बड़ा टेंपल बना है, 150 करोड़ का, प्रभु जी ने बहुत मेहनत करके बनाया। परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज एक दिन दो दिन पहले ही पटना आए थे और हम लोग कथा सुन रहे थे। महाराज कहते हैं कि मैं देख पा रहा हूं कि राधा बांके बिहारी यहां पे आ रहे हैं। सोचिए, आज भी इस संसार में ऐसे लोग हैं जो देख पा रहे हैं कि भगवान उपस्थित हैं। और विश्वास करिए, उससे जस्ट थोड़े से पहले पटना में भरपूर गर्मी, भयंकर गर्मी, और महाराज ने कहा कि मैं देख पा रहा हूं कि परम पूज्य श्री राधा बांके बिहारी पटना आ रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, और धीरे 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 करके एकदम माहौल शांत हो गया, एकदम शांत हो गया। तुरंत मुझे याद आया कि रामायण में भी अथवा भागवत हो, रामायण में जब भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हो रहा था ना, जैसे ही जन्म हो रहा था तो कहते हैं उसी समय, कौन सा महीने में भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था बताइए? हाँ, चैत्र मास। और चैत्र मास में कैसी गर्मी होती है, बहुत भयंकर गर्मी होती है, होती कि नहीं? बहुत गर्मी होती है। लेकिन जैसे ही पता चला कि भगवान आने वाले हैं, जैसे ही पता चला कि भगवान आने वाले हैं, तुरंत कहते हैं कि एकदम शीतल हो गया, शीतल, पूरा मौसम एकदम वातानुकूलित हो गई। कहते मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस ना सुबह है ना शाम है, मध्य दिवस, और मध्य दिवस में कितनी गर्मी होती है, लेकिन शीत न धामा, शीत न घामा मतलब ना बहुत ज्यादा ठंडी थी और ना बहुत ज्यादा गर्म, एकदम वातानुकूलित। और तिथि का वर्णन अगर आप पढ़े तो कहते नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सुकल पच विजित हरिता, मधुमास चैत्र मास, मध्य दिवस ना सुबह है ना रात, आरंभ इस ऋतु में बहुत गर्मी होती है, लेकिन आज भगवान आने वाले हैं, जैसे ही पता चला तुरंत माता रुक गई, तुरंत वातावरण। तो ये भगवान की कृपा है, और मुझे तुरंत एहसास हुआ कि ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में पधारे, ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र वृंदावन में पधारे, आज भी देख पा रहे हैं। आंख किसकी खराब है, किसकी खराब है? अरे बताओ, अपनी गलती छुपाओ मत, किसकी आंख खराब है? पता नहीं, जब तक स्वीकारेंगे नहीं कथा नहीं आगे बढ़ेगी। जोर से बोलो, सभी लोग स्वीकारो, हमारी आंखें खराब है, हम देख नहीं पा रहे। मोतियाबिंद किसको है? हमें।
ठीक है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ। आज भी भक्त तो देवी देवताओं से बहुत बड़ा अपराध हुआ, कहा कि आप इसी क्षण छोड़ करके पंडाल चले जाओ, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। तो भक्तों, आज भी भगवान ऐसे स्थान पर रहते हैं, और हम किसके लिए छोड़ करके चले जाते हैं भगवान को? बस 500 रुपए के काम के लिए, है कि नहीं? थोड़े से कुछ धन के लिए हम कथा पंडाल को छोड़ करके दूर चले जाते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए एकदम निर्णय लीजिए, प्रण लीजिए कि 7 दिन तक, जब तक कथा होगी, कथा पंडाल से बाहर नहीं निकलूंगा। कुछ भी हो जाए, पहाड़ फट जाए, लेकिन बाहर नहीं निकलूंगा। और जो व्यक्ति इस प्रकार से निर्णय लेकर के सुनेगा ना, भगवान निश्चित उसका उद्धार करेंगे, निश्चित, गारंटेड। तो देवताओं को कहा, देवता आप एक घड़ी भी यहां मत रुको, अगर रुकोगे तो मैं श्राप दे दूंगा। तो भक्तों, मैं खाली ये कहना चाह रहा था कि भागवत कथा अमृत का पान कर सको, ये क्वालिटी देवताओं में भी नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से आज इस गांव में यह अवसर प्राप्त। परंतु इस प्रसंग से सुखदेव गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर सिद्धांत दे दिया। कुछ लोग सोचते हैं कि हम भागवत कथा वक्ताओं को कुछ पैसा देंगे और भागवत कथा करा लेंगे, हम पैसा देंगे और हम कथा करवा लेंगे। संसार के लोग प्राय यजमान और वक्ताओं को खरीदने चाहते हैं, और पैसे देकर के भागवत सुनते भी हैं। बहुत सारे ऐसे वक्ता भी हैं जो पैसों के लिए करते भी हैं, लेकिन ध्यान रखिए भक्तों, इस संसार में पैसे देकर के भागवत को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, और सुना भी नहीं जा सकता। पैसे देकर भक्त को खरीदा, बेचा या सुना नहीं जा सकता। भागवत को सुनने के लिए श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। अपने पैसे दे दिए, उसने आकर के कह भी दिया, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं तो आपको जैसी इच्छा होगी वैसी कथा करेंगे, वो थोड़ा कुछ चुटकुला बोलेंगे, थोड़ा जगत की बातें, थोड़ा कूदो फानो, लेकिन उससे हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए यदि ऐसी भावना है कि हम पैसे से खरीद लेंगे भागवत को, या फिर वक्ता को बुना करके हम सुन लेंगे, तो एकदम यह ख्याल निकाल दीजिए, यह संभव नहीं। और ध्यान रखना चाहिए कि संसार में बहुत सारे वक्ता हैं जो पैसे के लिए भी भागवत कथा करते हैं, लेकिन अगर वह पैसे का डिमांड कर रहे हैं तब उनसे कथा सुनना भी नहीं चाहिए। पहले तो अपनी गलती है कि हम उनसे बात नहीं करें, अभी ये अलग बात है कि हम उन्हें दक्षिणा ऐसे जो देते ठीक है, लेकिन हम उनको ये नहीं कह सकते कि हम आपको 1,00,000 रुपए देंगे, आप मुझे भागवत कथा सुनाओ। वो आपके हृदय में ही रखो, जो देना है बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना देंगे हम। या फिर भागवत कथा वक्ता डिमांड कर रहा है, प्रभु हम आपके घर पे तभी जाएंगे जब हमें हमारे अकाउंट में 2,00,000 रुपए आ जाएंगे, तब वह भागवत नहीं, वह जहर बन गया है। क्या बन गया है? जहर बन गया। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, कौन कहते हैं? वेद व्यासी। 2 कटोरे में दूध है। अब कोई बोलोगे कि प्रभु जी आपके भागवत कथा में और दूसरे की भागवत कथा में क्या अंतर? ये अंतर है, यहाँ पर एक शुद्ध भक्त के माध्यम से शुद्ध परंपरा में भागवत हो रही हो, तब तक आपके मन में प्रश्न हो गया होगा। अभी आपने बोला बड़े बड़ाई ना करें, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद से यहाँ भागवत नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए। मैं वो ब्लैक वाले को क्या बोलते, स्पीकर, क्या बोलते स्पीकर, मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये मेरे शब्द नहीं है। किसके शब्द है? गुरु महाराज के, श्रील प्रभुपाद के।
और भागवतम के। मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस उस काले वाले बॉक्स के तरह आपके सामने उसको प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें काले वाले बॉक्स का कोई क्वालिफिकेशन है नहीं। अगर यहां से स्विच बंद कर देंगे इसके मालिक, तो ये बंद हो जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से ये काला है, थोड़ा मैं गोरा हूं लेकिन बाल आप देख सकते हैं काला है, तो मेरा भी अगर ये स्विच ऑफ कर देंगे तो फिर बोल नहीं सकता है ना। तो मैं बस एक, मैं तो शुद्ध भक्त नहीं हूं लेकिन जगत गुरु शिला प्रभुपाद परम पूज गुरु महाराज ये शुद्ध भक्त हैं और ये सारे उनके शब्द हैं। इसीलिए यह कथा और मैंने क्या चर्चा किया, मन की बात और वेद और शास्त्रों से परंपरा में ज्ञान स्वीकार करके बात, दोनों में अंतर है। अंतर क्या, वेद व्यास जी कहते हैं दो कटोरे में दूध है और दूध में बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन एक कटोरे को अगर सर्प स्पर्श कर लिया जाए तो वह दूध कुछ काम का होगा। क्यों? क्योंकि उसको सर्प ने स्पर्श कर लिया है। उसी प्रकार से भागवत कथा बहुत सुंदर है, ये भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, भगवान का प्रेम प्राप्त कराने वाला है, लेकिन अगर कहीं से इस प्रकार से जो वक्ता है वह प्रमाणिक नहीं है, वह किसी परंपरा में नहीं है, वह पैसे का डिमांड लेकर के कथा कर रहा है, तो फिर उस कथा को श्रवण करके हमारा उद्धार नहीं होगा, उससे हमारा और। तो इसीलिए कभी भी ध्यान रखना चाहिए। तो वास्तव में यजमानों का भी दोष नहीं है कि भाई प्रभु जी वक्ता भी ऐसे हैं कि बिना पैसे लिए हुए आते नहीं है, नहीं हमें इतने पैसे चाहिए तभी हम फाइनल करेंगे आपके इधर कथा, ये तो खैर धंधा चला रहे हैं, ये गलत है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। भागवत पैसे से बेचने के लिए नहीं। और यजमान जो कथा सुन रहे हैं उनको भी चाहिए कि हम सारा घमंड छोड़ करके, अरे हम बहुत महान व्यक्ति हैं, हम जा करके खरीद लेंगे, उसको भी नहीं चाहिए। इसलिए भागवत कथा पंडाल के ऊपर एक बहुत सुंदर शब्द लिखा जाता है, मालूम है क्या? अपना चप्पल, क्या अपना चप्पल और पद और प्रतिष्ठा यहीं पर त्याग करके कथा पंडाल में अंदर आएंगे, है ना, यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं को भगा दिया, तुम कथा सुनने योग्य नहीं हो। तब बहुत सुंदर दूसरी महिमा सुनाते हुए कहते हैं कि तुंग भद्रा नदी के तट पर एक गांव था और उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? सो रहे माता जी? सोना नहीं है, हाथ हटा के बैठो, नींद नहीं आएगा, हाथ हटा के बैठो, जैसे मैं बैठा वैसे बैठो, बैठो। मेरी आंखें थोड़ी ज्यादा तेज है तो अगर आप गप करेंगे अथवा सोएंगे तो मैं पकड़ दूंगा, दूर दूर तक पकड़ लूंगा, खाली लाइट होनी चाहिए। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर बहुत सुंदर वो ब्राह्मण का घर था और ब्राह्मण बहुत सुंदर थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे ब्राह्मण थे, लेकिन एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था कि उनको संतान नहीं थी, संतान नहीं थी, और उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था ब्राह्मण का? नाम बताओ, देखिए आप कुछ तो याद होना चाहिए, कल का ये होमवर्क है। ब्राह्मण का क्या नाम था? आत्मदेव। क्या नाम है? कल से आप लोग एक नोटपैड भी लेके आना है, लिखवा दूंगा। क्या नाम था? इसमें कोई गलत बात नहीं है, नोटपैड लेकर के आना, नोटपैड रखना ही चाहिए। और जब आप लिखेंगे, आप क्लास में जाते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं तो कुछ लेकर के जाते थे ना, नोटपैड लिखने के लिए लेके जाते थे ना कॉपी, ये भी क्लास ही है, ये भी कक्षा ही है ना, भागवतम कक्षा।
भागवत पढ़ रहे। आप लोग के पास तो होना ही चाहिए तो कभी भी अपने तो क्या नाम बताया और माता जी का धुंधली। गुड गुड स्टूडेंट्स, अच्छे बच्चे हैं। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। उस गांव में एक बहुत सुंदर ब्राह्मण रहते थे, नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। बहुत सुखी ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह सुखी होते हुए भी भिक्षाटन करे। क्या करें? भिक्षाटन करें। इसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये इनका धर्म है कि भिक्षाटन करके खाएं। तो ये जाते थे, मांगते थे और खाते थे। तो यह आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सुखी संपन्न थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था। दुख ये था कि विवाह हुए, बहुत दिन बीत गए थे, लेकिन एक भी संतान नहीं था। और धुंधली, जैसा उसका नाम था वैसे उसका काम। धुंधली का अर्थ ही क्या होता है? जिसको दिखाई कम दे, उसी को धुंधली कहते हैं। तो ये आंखों से तो धुंधली थी, दिमाग भी इसका धुंधला ही था। तो ऐसे पत्नी के ये पति थे धुंधुकारी। तो वो उस ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख होता था। गांव वाले कहते थे, बहुत कुछ कुछ कमेंट पास करते थे, तो उसके बहुत दुख हुआ। तो एक दिन वह तुंगभद्रा नदी के तट पर गया और अपने शरीर को त्यागने ही जा रहा था, आत्महत्या करने जा रहा था। और उसी समय जैसे ही तुंगभद्रा नदी के तट पर वह शरीर को त्यागने जा रहा था, एक तेजस्वी सन्यासी वहां पर आया और आकर के उसने उस ब्राह्मण का हाथ पकड़ा। बोले कि आत्महत्या क्यों करते हैं? ये तो बहुत बड़ा पाप है, भगवान के दिए हुए इतने सुंदर शरीर को नष्ट करने जा रहे। ब्राह्मण ने कहा कि मैं इतना दुखी हूं, इतना दुखमय जीवन जीने से अच्छा है कि आप मुझे मरने दें, मैं मर जाऊंगा। सन्यासी ने पूछा, क्या दुख है बताइए? इसने अपना दुख बतलाया कि विवाह के इतने दिन हो गए महाराज, अभी तक कोई संतान नहीं हुई और इस कारण से लोग मुझे पवित्र मानते हैं। मार्ग में रोज सुबह मिलते हैं, लेकिन मुझे देख करके वो अपना मार्ग बदल लेते हैं। मैं कितने भी अच्छे फल फूल घर पे लाऊं, लेकिन मेरे पाप की वजह से ये क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं। अपवित्रता की वजह से सड़ जाते हैं। और इतनी ही नहीं, मेरी अपवित्रता के कारण मेरे घर के गाय के भी बच्चे नहीं हो रहे, यह सब मेरी अपवित्रता। पति जैसी सन्यासी ने उस ब्राह्मण के भविष्य को देख लिया और कहा, कितनी बार आत्महत्या करेगा? अरे तुझे ये एक जन्म में नहीं, इस जन्म में नहीं, आने वाले कई जन्मों तक संतान की प्राप्ति नहीं है। ब्राह्मण तो बड़े बुद्धिमान होते, तुरंत सोच लिया, बोले ये महात्मा अगर मेरा भविष्य देख सकते हैं तो मुझे संतान की भी प्राप्ति करा सकते हैं। ब्राह्मण तुरंत उस सन्यासी के चरणों में गिर गए। महाराज महाराज महाराज, अब मुझे पुत्र की प्राप्ति कराओ, नहीं तो आपके चरणों में सर पटक पटक के जान दे दूंगा। अब तो साधु फंस गए, कभी कभी गुरु भी फंस जाते हैं चेले के चक्कर में, है ना? कभी कभी गुरु फंस जाते हैं अपने चेले के चक्कर में, ये फंस गए। बहुत बोला तो माँ बोले, देखो नहीं है तो ही तुम खुश हो जाएगा तो तुम्हें फजीयत हो जाए। बोले महाराज जो होगा बाद में देखेंगे, अभी पहले पुत्र प्राप्त करा। बोले ठीक है, कराता हूँ। तो एक फल अभिमंत्रित करके उस आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया, जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। वह आत्मदेव ब्राह्मण गया और उसने अपनी पत्नी को दिया कि तुम इस फल को खा लो, इस फल को खाते ही तुम गर्भवती हो जाओगी और फिर संतान उत्पत्ति। अब इसका नाम था धुंधली, काम भी धुंधली की तरह। सोचने लगी, कितनी सुंदर दिखती हूँ। अब जैसे ही फल खाऊंगी पेट बड़ा हो जाएगा, कुरूप बन जाऊंगी
अरे पेट बड़ा हो जाने से मैं दौड़ कैसे पाऊंगी, गांव में अगर डकैत आ गए तो मैं भागूंगी कैसे। सोचो देखो इसके मन के उपज, प्रसव की बहुत वेदना होती है, कैसे सहूंगी, कितना दुख होता है, नहीं हो पाएगा। परेशान थी तब तक इसकी बहन आ गई, जैसे ये थी उसकी बहन भी वैसे ही थी। बोली बहना बहना क्या हुआ। बोले अरे देखो बहना ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें। बोले तुम टेंशन मत लो, चिंता क्यों करती हो, मेरे गर्भ में बालक है, कुछ दिन के बाद हो जाएगा। तुम मेरे पति जो हैं बड़े लालची हैं, तुम उसे कुछ पैसे दे देना, वो तुम्हें अपना बालक दे देंगे, तुम अपने पति को दिखा देना ये मेरा बालक है। बोले ये फल। बोले अरे ये फल उल झूठा होते हैं, दे दो। अच्छा इसको चेक करते हैं, गाय को खिला दो। क्या करो, गाय को खिला दो, अभी चेक भी हो जाएगा। बोले ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको विश्वास ही नहीं होता, तो मैं प्रैक्टिकल करने के लिए गाय को खिला दिए। और कुछ दिन के बाद जैसे ही गाय ने खाया, वह भी गर्भवती हो गई, क्योंकि फल का मंत्र तो झूठा नहीं जा सकता। मंत्र कभी भी झूठा नहीं जाता, ध्यान रखिएगा, कभी भी झूठा नहीं जाता। तो कुछ दिन के बाद इनके बहन को बच्चे हुए, ये ला करके दे दी कि धुंधली अपने पति को दिखा दे। इसने कुछ पैसे दे दिए, उसने अपने बालक दे दिए। ये अपने पति के पास गई, बोले देखो मेरा बच्चा हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण परम प्रसन्न हो गया। दूसरे दिन सवेरे उठ के देखता है तो उस गाय के गर्भ से भी एक बालक ने जन्म लिया, क्योंकि फल का मंत्र कभी जा ही नहीं सकता झूठा, मंत्र कभी झूठा नहीं जा सकता। तो फिर बहुत सुंदर उन्होंने नामकरण किया। धुंधली से जो पुत्र जन्मे उनका नाम हुआ धुंधुकारी। क्या हुआ? धुंधुकारी। और जो गाय से जो पुत्र जन्मे ना, उसके कान जो थे वो कैसे थे? गाय के कान की तरह, इसीलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण। ठीक है, तो अब जैसा नाम वैसे रुचि, इसीलिए बच्चों का नाम बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। कुछ लोग रखते हैं चिंटू मिंटू जीरा गोलकी नमक पता नहीं क्या क्या, ये सब नहीं रखना। बच्चों का नाम रखना चाहिए कैसे? ऋषभ। ऋषभ मतलब ऋषभ देव भगवान, इस तरह से नाम होना चाहिए, भगवान के नाम से नाम होना चाहिए, ताकि भगवान का नाम हो। जन्म से ही स्वाभाविक रुचि थी भगवान में, भगवान का नाम बच्चे का नाम रखना चाहिए राम कृष्ण, ऐसा नाम रखना चाहिए, नाम से ही स्वाभाविक रुचि। जैसे आजकल नाम रखते हैं वो चिंटू पिंटू मिंटू रिंटू, वैसे ही बच्चे लोग भी क्या करते हैं, चिंटू पिंटू रिंटू बन जाते हैं वो लोग। जैसे नाम का कोई मतलब नहीं, वैसे उन बच्चों के भी जीवन का कोई मतलब नहीं है। पता चला सवेरे सिगरेट पी रहे हैं, शाम को दारू पी रहे हैं, बस यही चल रहा है। नाम का बहुत प्रभाव होता है। भगवान में स्वाभाविक रुचि थी गोकर्ण जी की, इसलिए वह तीर्थाटन करते भागवत कथा सुनते गीता पढ़ते गीता कथा सुनते। और धुंधुकारी महाखल पापी था एकदम, बहुत बड़ा पापी, दुनिया में एक भी ऐसा पाप नहीं जिस जो उसने नहीं किया। अभी शेड्यूल बताऊं आप लोगों को, दोनों के सुनोगे क्या शेड्यूल थी? चलो गोकर्ण जी का शेड्यूल बताता हूं। गोकर्ण जी सवेरे 3 बजे उठते थे, कितने बजे? कितने बजे? 3 बजे उठते, स्नान करते, स्नान करने के बाद थोड़ा भागवत थोड़ा भगवान का नाम जप करते, भागवत पढ़ते, कीर्तन करते, कथा करते और आरती करते। फिर 9-10 बजे भगवान को बहुत सुंदर भोग लगाते और प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण करते। फिर दिन के दिनचर्या कार्य करते, फिर दोपहर में भगवान को भोग लगाते, प्रसाद ग्रहण करते। फिर इस प्रकार से शाम को थोड़ा कीर्तन करते, भगवान का नाम जप करते, प्रसाद लेते, कथा सुनते और सो जाते। ये थे गोकर्ण जी की जिंदगी, धुंधुकारी का जिंदगी। सवेरे उठने का कोई टाइम नहीं, कभी 9 बजे कभी 10 बजे कभी 11 बजे उठ के बाथरूम उथरूम भी नहीं जाता था, बस शराब की बोतल हाथ में निकल गए। उठने का कोई टाइम नहीं, दिन भर इधर उधर मांस मछली शराब पर स्त्री पर पुरुष संग करना, बस इसमें जीवन बिता रहा था, सारे पाप करता था।
मांसाहार करता, जुआ खेलता, पशुओं की हिंसा करता, छोटे छोटे बच्चे जो गांव में खेलते थे उनको उठा उठा कर कुओं में भर देता था। माता पिता रात दिन ढूंढते रहते कहाँ गया कहाँ गया। इस प्रकार से अनेकों पाप यह धुंधकारी करने लगा और पाप करने में अपने अयासी में अपने पिता के सारे संपत्ति को इसने क्या किया, बर्बाद कर दिया, स्वाहा कर दिया। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। इसलिए कुछ लोग बड़े धन संचय करते हैं, मालूम है धन संचय बहुत अधिक नहीं करना चाहिए गृह जीवन में, ये तो भगवान की कृपा से अगर आपकी सदगति भी हो रही ना तो दुर्गति हो जाएगा। धन किसने संचय किया है, हमने, और अगर हमारे बच्चे निकल गए नालायक धुंधुकारी क्या करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो उसका कर्म फल किसको भोगेगा, कौन भोगेगा, हम भोगेंगे जिसने कमा के उसके लिए रख दिया। तो इसलिए संचय नहीं करना चाहिए, उतना ही करो जितना भगवान के लिए भोग लगने के लिए हो जाए, अपना प्रसाद हो जाए, घर पे कुछ साधु आए तो उनको प्रसाद दे सके, भागवत सुन सके, भगवत गीता सुन सके, बस इससे अधिक धन रखेंगे मन करेगा शराब पी लूं, मन करेगा मांस खा लें, कुछ कुछ अटपट अटपट करने का मन करेगा ही। तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, पुत्र नहीं थे तब तो दुखी थे ही, अब पुत्र हो गया तो उसे करोड़ों गुना दुखी हो गए। इसलिए भगवान कभी कभी कुछ नहीं देते हैं किसी को तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान वह सोच समझ के नहीं दे रहे हैं, चिंता नहीं करना चाहिए। संतान नहीं था तब आत्मदेव दुखी हुए और उसने करोड़ों मतलब करोड़ों गुना दुखी जब हुआ तब हो गए। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थाटन करके रिटर्न आए, वापिस आए और पिताजी के पास गए और कहा, देह मांस रुधिरम मति तेस्तम, हे पिताजी आप कब तक इस देह मांस रुधिर के शरीर में पड़े हुए रहोगे, कि क्या है, क्या है इसमें, आप छोड़ो जाओ अपने भगवत धाम जाने का तैयारी करो, भगवत धाम जाने का तैयारी करो। वॉलंटियर की जरूरत है नहीं लेकिन एकाद रखने पड़ेंगे ध्यान से। तो क्या बता रहा था, गोकर्ण जी अपने पिताजी को प्रवचन कर रहे हैं कि देह मांस रुधिरम मति तेस्तु, हे पिताजी आप ये देह मांस वायु कफ पीत वायु से बने हुए शरीर को, शरीर की आसक्ति को छोड़ो, अपने पुत्र की आसक्ति को छोड़ो, पत्नी की आसक्ति को छोड़ो और वन में जाओ और भजन भक्ति करो, कब तक इन लोगों में फंसे हुए रहोगे, जाओ। आत्मदेव ब्राह्मण को अपने पुत्र का उपदेश दिल में लग गया और आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर से चले गए, त्याग करके वन में चले गए। और वेदव्यास मुनि लिखते हैं श्रीमद् भागवतम दशमस्य पाठम, श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद का पाठ करके आत्मदेव ब्राह्मण भगवत धाम चले गए। पिताजी जब चले गए तो धुंधुकारी का पाप और भी बढ़ गया और कुछ दिन के बाद उसने अपनी माता को भी मार दिया और अपने साथ अब वह पांच पांच वेश्याओं को अपने घर पे ले आया, पांच वेश्याओं को। अब वेश्याओं का तो कोई पति होता नहीं, जिसके पास पैसा उनके पास रहते हैं, तो ये रात भर मेहनत कर, दिन भर मेहनत करता, इनको प्रसन्न करने का प्रयास करता बहुत। जब इनके धन खत्म हो गए तो इसने क्या किया, एक दिन एक राजा के इधर बहुत बड़ा चोरी किया, बहुत सारे धन लेकर के आया और जब धन लेकर के आए तब ये जान गए कि इसने राजा के इधर किया है। तो वेश्याओं ने कहा कि भाई अगर हम पकड़ा जाए तो मारे जाएंगे, एक काम करो इसका धन लूट करके हम ही भाग जाते हैं। तो उसके हाथ पांव बांध दिए, उसके सारे धन ले लिए और उसके मुख में गरम गरम कोयला डाल करके मार दिया, जाओ। और उनको उन्हीं के घर पे गड्ढा विड्ढा करके डाल दिया। पर तो इस संसार में हमारे पूर्व के अनुसार, पूर्व कर्म के अनुसार से हमारी आयु पक्की होती है,
हमारी आयु निश्चित होती है, जिस दिन से हमारा जन्म होता है उस दिन से मरने की आयु एकदम पक्की होती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् परिहार्यते न तुम शोचित महर्षि। और भागवत में लिखा है जिस दिन से हमारा जन्म होता है उस दिन से मरने की तारीख फिक्स रहती है। मान लो किसी की वाय आयु अगर 90 वर्ष की है, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंट में वो व्यक्ति मारा गया, 60 साल में ही मारा गया, उसे 30 साल की आयु भुगतनी पड़ेगी, उसे भुगतनी ही पड़ेगी। तो धुंधुकारी भटकने लगा, तमोगुण से मरा था, तमोगुणी रूप वह प्रेत बन गया। यह बात जब गोकर्ण जी को तीर्थाटन में पता चला तो उन्होंने वहां पर ही उनके लिए श्राद्ध किया, और कुछ दिन के बाद तीर्थाटन करते करते वह कहां आए, अपने घर में आए, और घर में आकर के जब रात्रि को विश्राम करने लगे तो बाहर से बहुत भयंकर भयंकर आवाज आने लगे, हा ऐसा ऐसा करके आवाज आने लगा। गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित करके गंगा जल छिड़का तो उस प्रेत को बचा सकती आई। बोले कौन हो? बोला भाई मैं तेरा भाई धुंधुकारी। बोले रे तू यहाँ, हमने तो तेरा श्राद्ध कर दिया है गया में, तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले भाई मेरा एक नहीं हजारों श्राद्ध भी करोगे ना फिर भी मेरा उद्धार नहीं होगा। बोले ऐसा? बोले हाँ। बोले ठीक है अभी जाओ सवेरे देखते हैं क्या होता है। तो अब इनका प्रेम था, आखिर था तो भाई वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भक्त जो होता है वो सब में वासुदेव भगवान को देखता है। बोले इसका तो उद्धार करना पड़ेगा कुछ, क्या किया जाए। तब उस समय गोकर्ण जी ने सवेरे सभी ब्राह्मणों को बुलाया और पोथी पढ़ाई। बोले बताओ जिसका हजारों सौवों श्राद्ध करने से जिसका उद्धार नहीं हो सकता उसका उद्धार कैसे? उस समय सब लोग पढ़ने लगे लेकिन कहीं कुछ नहीं पता चला। बोले इसका उत्तर केवल और केवल भगवान भास्कर सूर्यदेव ही दे सकते हैं। उसी समय गोकर्ण जी ने अपनी भक्ति के बल से सूर्यदेव की गति को रोक दिया। सूर्यदेव प्रकट हो गए, पूछा बताओ जिनका सौवों या सौ श्राद्ध से भी जिसका उद्धार नहीं हो सकता उसका उद्धार करने का क्या उपाय है? कहा हे गोकर्ण जी जिसने जीवन भर पाप किया है और जिसकी कुमौत हो गई है और मरने के बाद अगर वह प्रेत बन गया है तो इस संसार में उसका उद्धार करने के लिए एक ही साधन है और वह है श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह अनुष्ठान। और श्रीमद् भागवत कथा का फल अनुष्ठान करके उसे दे दिया जाए तो वह पापी प्रेत का उद्धार हो जाएगा। उस समय गोकर्ण जी ने भागवत कथा अनुष्ठान किया और स्वयं भागवत कथा वक्ता बने। पंडाल बना बहुत सुंदर, बहुत बड़ा पंडाल बना और उस समय कहते हैं बहुत सुंदर कथा प्रारंभ हुई, बहुत सुंदर कथा प्रारंभ हुई। भक्तों कहते हैं बड़े बड़े पंडाल बने, बहुत सुंदर कीर्तन करने वाले आ गए और कथा शुरू हो गई। कहते हैं जो बांस गाड़ा गया उस बांस में 7 गांठ थी और वह धुंधुकारी आकर के उस बांस में बैठ गए। प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई, उस बांस का एक गांठ फट गया, दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, उस बांस का दूसरा गांठ फट गया, तीसरे दिन तीसरी गांठ, इस प्रकार करते चौथे पांचवें छठे सातवें दिन की कथा प्रारंभ हुई और अंत हुई। और कहते हैं बहुत सुंदर सातवें दिन उस बांस के 7वां गांठ फट गया और संघ चक्र गदा पद्म धारण किए हुए बहुत सुंदर वह धुंधुकारी उस बांस से प्रकट हो गया और विमान में बैठ करके वह भगवत धाम चला। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब जब वो लोग जाने लगे तब गांव वालों ने रोक दिया, बोले अरे ये गलत है कथा, धुंधुकारी ने भी सुना, हमने भी सुना, हमें भी लेके चलो, अब इतना देख करके कौन रुकेगा। बोले क्या हमने कथा नहीं सुनी, हमें छोड़ रहे? बोले तुमने कथा सुनी थी लेकिन बीच बीच में कथा से उठ के घर पे जाती भी तो थी,
और कथा सुनने के बाद रात को जा करके देखती भी थी, क्योंकि सास भी कभी बहू है। रात को फिल्म भी तो देखती थी और ना जाने किसकी किसके शिकायत करती बोलती थी या बोलता था। खैनी भी तो खाता था, तो पूर्ण फल कैसे मिलेगा? धुंधुकारी से सीखो कैसे कथा सुनना चाहिए। दिन भर कथा सुनते थे और रात को उस कथा का मनन करते थे। दिन भर ध्यान से कथा सुना और रात को मनन किया, तब जाकर के आज धुंधुकारी का उद्धार हो रहा। अगर तुम्हारा उद्धार करना है तो फिर से भागवत कथा का आयोजन करो और फिर से भागवत कथा सुनो। कहते हैं उसी समय पुनः समस्त ग्रामवासियों ने गोकर्ण जी को कहा, हे गोकर्ण जी अब पुनः हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। पुनः कथा प्रारंभ हुई भक्तों और लगातार 7 दिन तक भागवत कथा चलती रही। और कहते हैं 7वें दिन बहुत सुंदर कीर्तन होने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम कहते उस समय सभी श्रोता खड़े हो गए और नाचने लगे। आप भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और भगवान के दिव्य नाम में नाचते हुए कीर्तन करिए। सब लोग खड़े हो जाइए। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. थोड़ा कीर्तन में नाचना चाहिए. आप लोग शादी ब्याह में नाचते हैं स्वामी डांस, और डीजे के गंदे गंदे गाने में नाचते, कितने भद्दे भद्दे गाने होते हैं उसमें नाचते, थोड़ा भगवान के कीर्तन में नाचते हुए. हाँ, दोनों पांवों को हिलाना. हमारे श्याम गोपाल प्रभु जी बताएंगे स्वामी डांस कैसे होता है, ताकि वो बढ़िया से करते हैं. प्रभु जी बहुत सुंदर डांस करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं. और बताएं स्वामी डांस बता दीजिए प्रभु जी थोड़ा सा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. माता जी लोगों को शर्म लग रहा है, शादी में शर्म नहीं लगता हो डीजे के बच्चे बच्चे गाने में नाचने में, लेकिन भगवान के गाने में हरे राम हरे राम. अरे भगवान के पंडाल में, भगवान के इस कथा में शर्माइए मत. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरि बोल राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और यंगस्टर्स खड़े पीछे ताली बजा रहे. भगवान के घर भगवान के सामने अगर नाचेंगे ना, ध्यान रखो, भगवान के सामने अगर नाचेंगे तो जीवन में माया के सामने नहीं नाचना पड़ेगा, लेकिन भगवान के सामने शर्माएंगे माया के सामने नाचना पड़ेगा, गारंटेड. इसीलिए भगवान के सामने एकदम नाचिए. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna संकीर्तन के जय। चिंता नहीं करना है कि बहुत जल्दी कीर्तन समाप्त हो गया, नहीं जी नृत्य होगा, आप लोग खाली रेडी हो जाइए। चिंता ये करना कि प्रभु जी लेकिन लड़के यहाँ के बहुत शर्मीले हैं, बहुत सौम्य स्वभाव, कभी नहीं नाचते हैं लोग, नाचते हैं
अच्छा ओके तो इस प्रकार से बहुत सुंदर कीर्तन आयोजित हुआ। बैठ जाइए, कथा खत्म नहीं हुई है, बैठ जाइए, कथा समाप्त नहीं हुई है, बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाओ, लेट मत करो, जितना लेट करेंगे उतना कथा विलंब होगा। और 5 मिनट की कथा है, फिर आरती है, गप बाद में करिए। माता जी बैठ जाओ, कितना गप करते हैं, घर पे भी गप करते हैं, यहाँ भी गप। माता जी सोच रही है कि ज्यादा मतलब टाइम हो गया क्या। जब इस प्रकार से बहुत दिव्य कीर्तन हुआ तो कहते हैं उसी समय देखते ही देखते आकाश से बहुत सारे विमान उतरे और जितने भी श्रोता जितने भी भक्तगण बैठ करके कथा श्रवण कर रहे थे सभी को लेकर के वह सारे विमान भगवत धाम चले गए। और उसी समय भगवान के दूतों ने गोकर्ण जी से कहा, गोकर्ण जी हम तो इन्हें लेकर के जा रहे हैं और भगवान ने इन्हें लेने के लिए हमें भेजा है, लेकिन भगवान ने कहलवाया है क्या कि आपको लेने के लिए वह स्वयं आएंगे, आपको लेने के लिए वह स्वयं आएंगे। तो इस प्रकार ये भागवत कथा भक्तों बहुत अद्भुत है। इस प्रकार इस भागवत कथा को सुनने से हमारा भी उद्धार हो सकता है और हमारे प्रिय स्वजनों का, हमारे पितरों का भी उद्धार हो सकता है। जो भी संसार में क्या माता जी माइक दीजिए वहां पे वायरलेस, थोड़ा हम लोग भी सुनेंगे, कुछ बताइए बताइए, थोड़ा दिव्य वचन हम लोग भी सुने। अभी खड़े रहेंगे, माइक लेकर के अभी खड़े रहिए। माता जी बोलिए ना कुछ, अरे कुछ आपके गांव का कुछ बताइए। अगर आप लोगों को बात करना हो ना तो हम लोग बैठेंगे वहाँ पे हॉल में और जम के गप करेंगे, थोड़ा आप भी बोलना मैं भी बोलूँगा, उसमें आनंद आएगा। खाली आप अकेले अकेले वही गांव, उनसे तो कल भी आप बात करते, थोड़ा मेरे से बात करो कल आकर के, ठीक है? हम लोग दोनों बात करेंगे माता जी, ठीक है? कल 10 बजे थोड़ा आप अपनी गाँव की आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि भीड़ बढ़ रही है तो मैं नहीं पहचान पाऊँगा। आँखें मेरी भगवान ने छोटी दी है लेकिन नज़रें बड़ी तेज़ दी है, पता नहीं मैं दूर से ही देख लेता हूँ, ठीक है? तो अब लोग मत करना गप, ठीक है? तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा भी उद्धार हो और हमारे पूर्वज हमारे पितर जिनके विषय में पता नहीं उनका भी उद्धार हो तो आइए इस कथा पंडाल में भागवत कथा को सुनिए और अपने जीवन को और अपने पितरों के जीवन को धन्य बनाइए। आज की कथा को हम लोग यहाँ पे विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज कथा का पहला दिवस था इसीलिए कथा विलंब से शुरू हुई और 3 घंटा विलंब शुरू हुई है ना, क्योंकि बारिश भी बहुत हुई थी, लेकिन इंद्रदेव को इच्छा थी कि कुछ यहाँ के कलश में थोड़ा जल में भी डालूं तो उनको कैसे हम लोग रोक सकते थे, तो उन्होंने भी डाला, कलश शुद्ध हो गया, बहुत सुंदर कलश भी स्थापित हो चुका है। अब लोगों का उत्साह भी बहुत अच्छा है। अब हमारे से पास बच गए कितने दिन, 6 दिन। कथा कितनी घंटी होनी चाहिए, 4 घंटा, 4 घंटा ठीक है। तो 6×4=24, 6×6=24 और कितने अवतार की कथा सुननी है, 1-1 घंटे में, और आपने मिस किया तो गया, ठीक है? तो कथा कल से ठीक 5 बजे शुरू हो जाएगी, 5 बजे 4 बजे से भजन कीर्तन, थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूँ शेड्यूल देखते हुए, पहले 5 से था, लेकिन भजन कीर्तन कितने बजे शुरू होगी, 4 बजे से, और कथा शुरू होगी 5 बजे से 9 बजे तक। और कथा बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर आइए, ठीक है? और आप लोगों को प्रसाद बनाने की चिंता हो तो थोड़ा पहले ही बना लीजिए घर पे खाना, 4 बजे बना के रख दो, फिर यहाँ से जा कर के खाओ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत? थोड़ा 7-6 दिन थोड़ा ठंडा खाना खाएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना? प्राण तो नहीं छूटने वाला है तो इसलिए, लेकिन अगर भगवत कथा नहीं सुने और प्राण छूट गया तो फिर से दोबारा जाना आना पड़ेगा और फिर इस दुख दारिद्र को भोगना पड़ेगा, इसलिए कथा सुनो और भगवत धाम
वापिस जाओ, ठीक है। तो कल से एकदम 5 बजे से कथा शुरू हो जाएगी, आप लोग सब जरूर आइए और अपने जीवन को श्रीराधे राधे। आइए वृंदावन श्रीराधे, वृंदावन धाम की ओर चलते हैं। ब्रज की गोपियां, ब्रज की गोपियां हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, थोड़ा मॉनिटर बढ़ाइए प्रभु जी, हल्का सा। श्रीराधे श्रीराधे। तो ब्रज की गोपियां बहुत सुंदर अपने हृदय के उद्गार को प्रस्तुत करती हैं, कहती हैं कि हमने मोहन से दिल जो लगा लिया है, और मोहन से दिल लगाने के बाद क्या हुआ है, इस भाव को गोपियां गा रही हैं। ओ मोहन से ओ छलिया से मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। कोरस में गाइए।
आपकी आवाज नहीं सुना दे रही, तबला थोड़ा, तबला ज्यादा है, ढोलक ज्यादा है, ढोलक कम कीजिए, ढोलक तबला मीडियम कीजिए, हम लोग को हमारा ही आवाज नहीं पता चला तबला ढोलक। मिलता भी है वो, मिलता
बिहलाल की जय, राधा रानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।